हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का इंटरव्यू का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें ये गुड न्यूज है और सभी का रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से यहाँ बता रहा हूँ। अभी तो रिजल्ट की जितनी भी प्रोसेस थी वो सारे कंप्लीट कर ली गई है, बस थोड़ा सा स्टे लग गया है जिसके कारण से अभी रिजल्ट कुछ दिन तक नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, उम्मीद किया जा सकता है कि फरवरी के लास्ट में रिजल्ट आपका आ सकता है और ये स्टे जल्द ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक एफिडेविट की ज़रूरत है। वो एफिडेविट बनाकर निदेशालय से भेजा जाएगा हाईकोर्ट में, तो वहाँ से आपकी स्टे हट जाएगी और वहाँ से यूपी ट्रिपल एससी के का रिजल्ट क्लियर कराया जा सकता है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है आपके रिजल्ट के बारे में। और ओ लेवल पहले तो ये था कि सिर्फ ओ लेवल वालों का ही रिजल्ट पहले आ जाए, लेकिन बाद में नॉन ओ लेवल वालों का। लेकिन यहाँ पर अभी ये पता चला है कि सबका रिजल्ट जो आएगा वो सभी का एक साथ रिजल्ट आने वाला है, ओ लेवल हो या फिर नॉन ओ लेवल हो, सभी का रिजल्ट एक साथ आने वाला है। और इस पर बहुत जल्द ही आपकी सुनवाई होने वाली है और उसके लिए आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपकी बहुत जल्द ही आने वाली है। अगर ये दो चार दिन के अंदर में अगर एफिडेविट जमा हो जाती है तो पक्का है कि आपका रिजल्ट फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो इस तरह से ये ज़रूरी बातें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आंसर की था उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ उसी के आसपास रहने की संभावना है। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।